करते हैं हमारे मेहमान हैं आज और दीगर जितने भी मौजूद हजरात करता हूं जनाब एसएसपी पुंछ प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पुंछ प्रोफेसर मुशरफ हुसैन शाह साहब जनाब अनवर खान साहब वांडे साहब जनाब बशारत साहब जनाब डॉक्टर जनाब तारक साहब आज का ये प्रोग्राम जगजीत सिंह अवल साहब और जनाब प्रोग्राम जो यहाँ पे मुनक्कद किया जा रहा है एजाज भी बख्शना है फलक बरसू तब खाक के सीने से इंसान निकलते हैं हिंदुस्तानी फिल्म दुनिया के जैसे जिसे मोहतरम इसलिए हमारा ये अजीज हमारा ये बेटा मैं कहूंगा क्योंकि मेरे बेटे की उम्र का है सुमित भरद्वाज निकालो दिल वाला अपना अपना अपने अंदर वाला भी सब आपको भी निकालना चाहिए क्या हाँ थोड़ा और जोर वो कसम अब सब मिल जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस सब ऑफिसर राजौरी के ज़ेर एहतमाम आज महफिल मौसीकी का ये प्रोग्राम किया जा रहा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में इस प्रोग्राम का एक तो मकसद ये था कि हम एक लंबे अरसा से कोरोना की उसमें महामारी में जूझ रहे थे और एक साइलेंस जैसा था पूरे शहर में उस साइलेंस को तोड़ने के लिए सहमे हुए थे लोग एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी हमारे फ़नकार जो है वो अपने फ़न का प्रॉपर मुजाहरा नहीं कर रहे थे नहीं कर पा रहे थे एक तो ये था कि उन फ़नकारों को सामने लाया जाए उनके जो 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 एक खामोशी है उसको तोड़ा जाए और बहुत से हमारे जो ऑडियंस हैं उनकी चॉइस भी थी कि एक प्रोग्राम किया जाए और साथ में यह है कि एक लंबे अरसे के बाद ये प्रोग्राम हुआ है फिर हमने ये क्योंकि आज की मुनासबत से जो आज रफ़ी मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन है और उस मुनासबत से भी उनको उनकी याद को ताज़ा करने के लिए एक मुल्क भर की एक बड़ी शख्सियत एक नामवर गुलकार जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को चार चांद लगाए इसके नाम को रोशन किया अपने मुल्क के नाम को रोशन किया उस शख्सियत को यहाँ उसके शख्सियत की याद में ये प्रोग्राम किया जाए और उसके साथ साथ हमारे अपने जो नए फ़नकार हैं जो रफ़ी को गाते हैं जो रफ़ी को गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या उनके गीत गा रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए नए लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाए जो हमारे जो पहले से हमारे आर्टिस्ट जो है काम कर रहे हैं गुलकार कुछ लोग हैं या पुराने हमारे उस्ताद मास्टर करतार जी हैं ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जाए इनके हौसला अफजाई की जाए यही मकसद कल्चरल अकेडमी का भी रहता है
इस प्रोग्राम में अगरचे हमारे साथ डिग्री कॉलेज पुंछ का उनका एक एकाक सेल है जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल है, वो हमारे साथ मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमारे साथ है। और उसके बाद सर आज हमने मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में आज का प्रोग्राम जो है म्यूज़िक का यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें डिग्री कॉलेज के साथ तावन रहा हमारी एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस सब ऑफिस रजौरी का, और साथ में सरस्वती संगीत विद्यालय का हमारा उनका तावन हमारे साथ रहा। तो रफ़ी साहब एक हिंदुस्तान के बहुत ही अजीम कलाकार थे, तो हर साल उनके हवाले से यह कॉलेज जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है। उसी की कड़ी में आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसमें मुख्तलिफ जगहों से आए हुए आर्टिस्ट जो है वो अपने फ़न का मुजाहरा।